पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण जया एकादशी व्रत का महात्म्य जाना। श्री कृष्ण ने कथा कहते हुए बताया कि एक बार नंदनवन में इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। इस सभा में देवतागण और ऋषि प्रफुल्लित होकर उत्सव का आनंद ले रहे थे। उत्सव में गंधर्व गाने गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं में से एक गंधर्व था जिसका नाम था माल्यवान। वहीं एक सुंदर नृत्यांगना थी जिसका नाम था पुष्यवती। उत्सव के दौरान पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी की उपस्थिति में ही अपनी मर्यादाएं भूल गए। पुष्यवती और माल्यवान के इस कृत्य से देवतागण और ऋषि असहज हो गए। इसके बाद देवताराज इंद्र भयंकर क्रोधित हो उठे। इंद्र ने दोनों को श्राप देते हुए कहा कि वह स्वर्ग लोक से निकलकर मृत्यु लोक में जाएं और वहां वो पिशाच योनि में निवास करें। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान पिशाच योनि में दुख भोगने लगे। प्रेत योनि में दोनों का जीवन बहुत कष्टदायक रहा। मास माघ में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। इस दिन दोनों को सिर्फ फलाहार ही खाने को मिला। दोनों रात्रि में ठंड की वजह से सो नहीं पाए। इस तरह अनजाने में एकादशी का रात्रि जागरण भी हो गया। इस दिन वह अपने किए पर पछतावा करते हुए भगवान विष्णु से इस कष्टदायक जीवन से मुक्ति करने की प्रार्थना करने लगे। अनजाने में ही दोनों ने जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया, लेकिन सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह दोबारा स्वर्ग लोक चले गए। तभी से जया एकादशी का व्रत किया जाने लगा। आशा करती हूँ आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो और जिस तरीके से माल्यवान और पुष्यवती को भगवान विष्णु की पूजा से और एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिली, वैसे ही अगर हमसे भी कुछ भूल चूक हुई हो तो भगवान सभी को माफ़ करें और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम और कथा की वीडियो को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।